अगर कोई रह जाएगा ना, मैं उनसे हाँ। माफी मांग लूंगा, खुद जाके माफी मांग। अरे पर इतना काम पड़ा है ना, अब क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? सारे काम हो जाएंगे ना, जस्ट चिल। चिल कहाँ से करूँ, कल तेरी शादी है और इतना काम पड़ा है ना कि। मम्मा काम हो जाएगा, अभी आप टेंशन मत करो, अभी आप मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताओ, पता है ना कल मैं दूसरे घर चली जाऊंगी। माय बेबी। सारा प्यार तुमने अपनी मम्मा के लिए रखा है ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा है। पापा यू माय डार्लिंग। मेरा थोड़ा प्यार विदाई के लिए भी बचा कर रखो। अरे समधी जी, आइए आइए समधी जी। कैसे हो? बस। समधन जी कैसी हैं आप? लड़के की माँ हूँ, अच्छी तो रहूंगी ही। वैसे तैयारियाँ बहुत अच्छी की आप लोगों ने। अरे आप देखते जाइए, कितने धूमधाम से शादी करूंगा मैं अपनी बड़ी बेटी की। फोन को नहीं उठा रही हो, मेरे एसएमएस का जवाब नहीं दे रही हो, तो मुझे आना ही पड़ा ना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं उठाया। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। साक्षी, राहुल ये लफंगा क्या कर रहा है? कल जबान संभाल के बात कीजिए, मैं कोई लफंगा नहीं हूं। और शट अप। तू क्या है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, चल निकल यहां से। अरे आंखें किसे दिखा रहे हो? चलो निकल बाहर। चल निकल, दिखना वाला घर के आसपास। हाँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। कल यहाँ पे शादी नहीं, मातम होगी, मातम। ओह गेट लॉस्ट। चल निकल। हर खुशी का मौका है, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हो रही है, तुम इतनी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? पापा, मुझे बार बार राहुल क्या है ख्याल आ रहा है। उस राहुल का ख्याल जरा भी दिल में बदलाओ। पापा, पापा यही बात है, वो कहीं मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ ना आ जाए। साक्षी, मुझे बस इसी बात की फिक्र है। बेटा जब तक तुम्हारे डैड जिंदा है ना, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पहले 3 फेरों में वर आगे और कन्या पीछे चलेगी। अग्नि को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। अब अपने कुशल दाम्पत्य जीवन के शुभारंभ के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर उनका शुभ आशीर्वाद दें। इसकी पल्स नहीं चल रही है।
कैलाश जी सेज नो मोर। सॉरी एसीपी साहब, मुझे आने भी देर होगी। सर आप बच गए सर, एसीपी सर अभी तक आए नहीं। बच गया? रास्ते भर टेंशन हो रही थी। फ्रेडी सर आप टाइम पर आया कीजिए ना। ताशा ट्रैफिक की हालत जानती हो ना। क्यों, हम लोग कैसे आते हैं टाइम पे है? आप लोग तो आप लोग हैं ना सर। अच्छा हम लोग हैं है? हम लोग क्या ऊपर से आते हैं है? अरे तो एसीपी सर आए तभी पता चलेगा कि मीटिंग क्यों बुलाई थी। सर आपको मालूम है क्या? नहीं तुझे मालूम है? हाँ सर, ये मीटिंग आपके प्रमोशन के लिए बुलाई गई है सर। हाँ आपने सीआईडी में इतने साल जो बहादुरी और मेहनत से काम किया है ना, ये उसी का फल है सर। क्यों ताशा? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कांग्रेचुलेशन सर एंड ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तू सच बोल रहा है ना? बिल्कुल सर। अरे आ गए सब लोग? मैं आ गया हूं सर। हाँ तो आ गए तो आ गए, उसमें छाती फुलाकर बताने की क्या बात। आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे कोई मेडल थोड़ी ना मिलने वाला है जो मैं छाती फुलाऊं। प्रमोशन तो बिना मेडल के ही मिलता है ना सर। क्यों सर? प्रमोशन किसका? मेरा सर। प्रमोशन तुम्हारा किस खुशी में? ऐसा कौन सा तीर चलाया तुमने जो तुम्हें प्रमोट करूं? शुक्र करो भगवान का कि तुम्हें डिमोशन नहीं मिला है। प्रमोशन चाहिए। मगर सर बात क्या है, ये मीटिंग क्यों बुलाई आपने आज? अब ये सीआईडी में दो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, एक को तो तुम लोग मिल चुके हो, इंस्पेक्टर सचिन। सर हेलो सचिन। हाय सर। सर सीआईडी में आके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर। वेलकम। थैंक यू सर। और सर दूसरा ऑफिसर? दूसरा नहीं दूसरी ऑफिसर, ऑफिसर काजल कल से ज्वाइन करेगी। हेलो, क्या शादी में दुल्हन की मौत? कहाँ? इस तरह से अचानक एक भली लड़की की मौत होना, ये बात कोई गले उतर नहीं रही। कुछ तो हुआ होगा शादी के बीच में, किसी ने कुछ तो किया होगा। क्यों यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरी जिस बेटी की डोली उठने वाली थी अब उसकी अर्थी उठेगी। तुम रोमी की बहन हो ना? हाँ सारंग के कुछ पता चला? नहीं बस अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। कुछ तो गड़बड़ है सड़के, कुछ तो गड़बड़ है यार, अचानक ऐसे कैसे हो गया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है आज ही और शादी के वक्त ही मर जाए अचानक। नहीं, कम उम्र की एक अच्छी भली लड़की, उसका अचानक ऐसे मौत होना, कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने यहाँ पे कुछ अजीब देखा है? कुछ भी, कुछ ऐसा जो किसी को लगता हो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था? देखिए दुल्हन की मौत हो गई है और इस मौत के पीछे कोई राज छुपा है, किसी ने अगर कुछ देखा हो तो प्लीज बता दीजिए। जिस किसी ने भी मेरी बेटी को मारा है उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी बेटी की खूनी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। रूमी मेरी जिंदगी थी, अब उसके बिना मैं मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे मत कहो बेटा, ऐसे मत कहो। राहुल नहीं किया मेरी बहन का खून। साक्षी ये कहां चली गई? कहां गई है साक्षी? वो गाड़ी में बैठ के कहीं चली गई सर। कमाल है, घर में मौत हुई है, ऐसे मौके पे ये घर छोड़ के भाग रही। सर मुझे शुरू से उसके बर्ताव में कुछ अजीब सा लग रहा था सर। सर लगता है उसके मन में कुछ है जिसे छुपाने में से बहुत दिक्कत हो रही है सर।
सर कुछ गड़बड़ है। देखो दया, पीछा करो उसका, देखो कहाँ जा रही है। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें रूमियों कहीं नहीं ले जाने दूंगा, छोड़ दो। देखो आशीष प्लीज संभालो अपने आप को, एक बार जो चला गया वो चला गया, प्लीज संभालो अपने। मैं नहीं जाने दूंगा, छोड़ छोड़ो। इसके शरीर पर न चोट का निशान है न जख्म का निशान, मुझे लगता है शायद इसकी सांस चलनी बंद हो गई। हाँ पर इसकी सांस अचानक बंद क्यों हो गई प्रद्युमन, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। देखो इसे हार्ट अटैक तो हुआ नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक का तो कोई सिम्टम है नहीं। अब इसे हुआ क्या है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा बस। मैं तुम्हें रूमियों का अंदर नहीं दूंगा। आशीष, 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 ये क्या कर रहा है बेटा? संभाल अपने आप को, आशीष। आशीष, देखो बेटा, हम समझ सकते हैं तुम्हें कितना बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन क्या करें, सच भी बहुत कड़वा होता है, और हम उसे बदल नहीं सकते बेटा। संभालो अपने आप को। चल, चल, उठो, 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 आशीष, आशीष, उठो, साक्षी, आप? हाँ मैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने मेरे होठों से बात छीन ली। तुम यहाँ कैसे? ये सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था, मगर तुमने ही पूछ लिया। वैसे तुम्हारी बहन को मरे ज्यादा देर नहीं हुई है, तो तुम यहाँ क्या कर रही? वो मैं यहाँ पे ऐसे आ गई थी। देखो इधर उधर करके बात को टालने की कोशिश मत करो तुम, बात और बिगड़ सकती है, इसलिए जल्द से जल्द सच चुक लो। मेरी दीदी हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई, इससे ज्यादा बात और कितनी बिगड़ सकती है? तो तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते हाँ, अपनी बहन के खूनी को फांसी तक पहुंचाने में? तो चढ़ाइए राहुल को फांसी पे, उसे नहीं मारे मेरी दीदी को। राहुल? राहुल कौन? मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी दीदी का खून क्यों करने लगा? करातू आया था मेरे घर पे, उसी ने मारा मेरी बहन को, उसी ने किया मेरी बहन का खून। ये राहुल रहता कहाँ? यही रहता है। आओ देखते हैं क्या बोलता है ये राहुल। एक मिनट। हाँ सर। क्या? ओह ठीक है सर, ओके सर। या क्या हुआ सर? ये आशीष की भी मौत हो गई है। क्या राहुल ने दीदी के साथ जीजा जी को भी मार दिया? मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया। राहुल, 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 ये दरवाजा अंदर से बंद है, वो यहीं कहीं छुपा होगा। सचिन इस घर की तलाश लो, एक एक कमरे को अच्छी तरह से देखो, जल्दी। यस सर। सर ये आवाज यहां से आ रही है, सर ये आवाज यहां से आ रही है। सर जहां तक मुझे मालूम है इन दोनों लाशों पे कोई निशान नहीं मिला है, राइट? राइट। इन दोनों लाशों पे बराबर है? हाँ। सारूंकी अगर दोनों लाशों में तुम्हें कोई भी चोट का निशान नहीं मिला, ना शादी में किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी, तो फिर दोनों की मौत हुई कैसे? मालूम? क्या कहा? मालूम नहीं है यार। मालूम नहीं बस, देखा मालूम नहीं बोल के पतली गली पकड़ ली, ये कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है सर। तो फिर क्या करे सारूंकी, ये दोनों केसेस बीच में ही छोड़ दे ऐसे ही? कह दे इनके रिश्तेदारों को कि हमारे सारूंकी साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर सर एक एक रास्ता है सर। कौन सा? आ,
डॉक्टर तारिका। क्या? तारिका? अभिजीत, हर बात का इलाज तारिका है? हो क्या गया तुम्हें? मैं बता सकता हूं। आपको ये तो मालूम नहीं कि इनकी मौत हुई कैसे, और ये लेकिन बता सकता। मैं ये बता सकता हूं कि तुम्हें क्या हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, ये आप बात से पलट रहे हैं। अभिजीत तुम्हें मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा बात मत पलटिए, ये बताइए इन्हें क्या हुआ है। सुन के, अगर तुम्हें पता है तो बताओ जल्दी। घुमेरिया हुआ है। क्या घुमेरिया? ये क्या है? घुमेरिया लवेरिया का बड़ा भाई है, जो इन्हें हुआ है अभिजीत साहब को। इसमें आदमी का दिमाग घूम जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय तारिका के, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते बस। यार सालों के दिमाग खराब मत करो यार। ये बताओ पहले कि इन दोनों की मौत हुई कैसे? कैसे हुई इन दोनों की मौत? सब किसी ने इन्हें जहर तो नहीं दे दिया? तुम्हें क्या लगता है हमारे दिमाग में नहीं आई होगी बात? सब मेरे कहने का ये मतलब था कि दोनों अचानक ही गिर गए, ना तो गोली लगी है और ना कुछ और, तो फिर शायद जहर ही दिया गया होगा। जहर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? ना दिखने वाला जहर होगा, अंदर चला गया। माशे अंदर पेट को काट करके देख लिया है हमने, कुछ नहीं निकला पेट में से, कोई जहर नहीं है। अच्छा तो हार्ट अटैक? दोनों को एक साथ? कम ऑन यार, मतलब दो आदमी जो अभी पति पत्नी होने वाले हैं, दोनों को एक साथ हार्ट अटैक? यार सुन के, इसी बात से तो मेरा दिमाग बन बना रहा है कि दो लोगों की मौत हुई कैसे? दो लोग जिनकी शादी होने वाली है एक साथ मर जाते हैं कैसे? ये हो ही नहीं सकता सुन के, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। देख सुन के, जल्दी से जल्दी बता दे कि इन दोनों की मौत हुई कैसे, नहीं तो क्या? नहीं तो समझ जाओ। समझ जाओ, समझ जाओ। देखा तुम लोगों ने, सबके सामने यहाँ मेरी फॉरेंसिक लैब में मुझे धमकी देकर के गया है। नहीं तो हाँ तो पता करो ना। हाँ तो आ दे। क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सर आप इसे जानते हैं? इसे तो गोली चलाई दी थी सर। सर ये कौन है, इसकी इतनी हिम्मत? इसकी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि ये एक सीआईडी ऑफिसर है। इसकी भी ट्रेनिंग वैसे ही हुई है जैसे तुम लोगों की हुई है। ये वह इंस्पेक्टर काजल है जो कल से ज्वाइन करने वाली थी। काजल, तुमने दया पर गन तानी? सर जिस तरह से ये लोग अंदर घुस आए थे, मुझे लगा रॉबरी हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो राहुल के घर में? सर ये सिर्फ राहुल का नहीं, मेरा भी घर है। राहुल मेरा भाई है सर। क्या, राहुल तुम्हारा भाई है? जी सर। हाँ सर, इसका कहना है कि राहुल ने कुछ नहीं किया। राहुल पर दो दो खून करने का शक है, रूबी और आशीष का। राहुल ऐसा कर ही नहीं सकता। देखो काजल, जल्दी एक पूरी तरह से सीआईडी ऑफिसर बनने वाली हो, और अगर इसमें तुम्हारा भाई खून ही निकला तो इसका मतलब मेरी नौकरी जा सकती है, तुम्हारी नौकरी। इसलिए बताओ कहाँ है राहुल? सब पता नहीं। तो फोन करो राहुल को और उसे कहो कि अभी के अभी इसी वक्त यहां चले आए। करो फोन। जी सर। फोन बंद आ रहा है। फोन बंद है? खून करके भागा है इसीलिए फोन बंद कर दिया, ये गलत है। काजल जब तक राहुल बेगुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक उसे खूनी ही बोलेंगे। पहले उसने धमकी दी, उसके बाद ना जाने कैसे दो दो खून कर दिए, और अब वो खुद गायब है और फोन भी बंद है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, तू भी बताओ। इस घर की फिर से तलाशी लेना है। और एक बात काजल, बहन होने के नाते शायद तुम राहुल को गिरफ्तार नहीं कर सकोगी, इसलिए इस केस की तहकीकात में तुम बिल्कुल हिस्सा नहीं लोगी। जो कुछ भी होगा चुपचाप देखती रहोगी, समझी? सर प्लीज, सर प्लीज सामने आ जाइए सर। मैं इस तरह से आपसे कैसे बात कर सकती हूँ? नहीं आऊंगा मैं, सामने नहीं आऊंगा मैं, चला जाऊंगा हमेशा के। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सामने आना ही होगा। नहीं आऊंगा तारिका, मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं यही रहूंगा, यही रहूंगा। सर प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए,
देखिए सर, अगर अगर एसीपी सर और अभिजीत आ गए तो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे हैं? क्या समझेंगे? वो समझेंगे कि आपका और मेरा झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर आप अंदर घुस गए। समझने दो, एसीपी को जो समझना है समझने दो, आज उसी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। सॉरी, लेटा हूँ। सर, ऐसा होता है कभी कभी। कभी कभी पता नहीं चलता है कि मौत किस तरह से हुई है। इसमें आपका क्या कसूर? कसूर है तारी का, कसूर है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर सालू को पता नहीं चला होगा मौत कैसे हुई है। मैं कह दूंगी उन लोगों से कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें और थोड़ा वक्त लगेगा। सिंपल। इट इज नॉट सिंपल, नॉट एट ऑल। तुम कह दोगे और वो मान लेगा। वो प्रद्युमन है, उसका नाम प्रद्युमन। भगवान ने ऐसा टेढ़ा आदमी बना करके भेजा धरती पर के पूछो मत। पता जब मैं उससे कहूंगा कि मुझे मालूम नहीं है कि इन दोनों की मौत कैसे हुई है तो पता क्या होगा? ऐसी मुस्कुराहट आएगी उसके चेहरे पर कि सोच करके मेरे तन बदन में आग लगती है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों की मौत किसी नए जहर की वजह से हुई होगी। नया जहर तो सॉरी क्यों नहीं देता सर, ये कोई ऐसा जहर होगा जो बहुत धीरे धीरे असर करता होगा। तारिका, तारिका। हाँ, तुम एक काम करो, तुम इस लड़की के सर के आगे वाले बाल काटो लंबे लंबे और उन्हें माइक्रोस्कोप में रखकर चेक करो। हो सकता है तारिका जहर बालों में जाकर बैठ गया हो। यस सर। क्या है सर? ये देखिए। क्या देखिए? ओ माय गॉड। इसका मतलब तारिका, इस रूमी की मौत इस वजह से हुई है। इस आशीष की मौत कैसे हुई? तभी मैं सोचूं कि हमें पता कैसे नहीं चला कि इन दोनों की मौत कैसे हुई। इस तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं सर। राइट। कुछ भी बोलो तारिका, वो प्रद्युमन एकदम ठीक कह रहा था। खूनी कोई ऐसा आदमी है जो उस वक्त वहां मौजूद था शादी में। देखिए, हमें बहुत अफसोस है कि आशीष की मौत हमारी आंखों के सामने हुई। जिसने भी ये किया है उसने गहरी प्लानिंग की है। अब आप हमें इतना बताइए कि क्या इन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था, या इनकी मौत से किसी को फायदा होने वाला था? राहुल ही है, वही सबसे बड़ा दुश्मन, उसी ने किए ये दोनों खून। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये ऐसे ही बोल रही हो। दोनों खून हो गए और तुम अभी सबूत ढूंढ रही हो? क्योंकि क्योंकि तुम्हारा भाई है वो, इसलिए। साक्षी, तुम देखो, साक्षी, अगर राहुल ने खून किया है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, समझी? सर, हम लोग राहुल का फोन ट्रेस कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा वो कहां छुपा हुआ है। हाँ सर अंकित। क्या क्या शादी की थाली? ठीक है, ओके, शादी की थाली ढूंढो जिसमें वो सिंदूर वगैरह रखा रहता है, ढूंढो जल्दी। देखो, शादी की थाली पर क्यों? देखिए, सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, ये बताइए वो थाली कहाँ है, जल्दी बताइए प्लीज। वो वहीं रखी है मंडप के पास। देखो, ये क्या? सर, थाली किसी ने धो दी है सर। किसने किया ये? मैंने कहा था ना, किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो फिर किसने किया? किसने की साफ ये थाली?
सर खूनी जरूर यहीं पर मौजूद है, उसने सारे सबूत मिटाए हैं। सर थोड़ी देर पहले थाली धुली हुई नहीं थी? तो फिर ये काम किया किसने? बताइए किसने धो दी ये थाली, किसने? खूनी बहुत होशियार आदमी है बस। इससे पहले कि हम थाली तक पहुंचते भाई साहब ने सबूत ही धो करके रख दिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पर सर अभी भी चांस है, अल्ट्रा वायलेट से अगर हम इस थाली को देखेंगे तो खूनी की उंगलियों के निशान हमें अभी भी मिल सकते हैं। ओह वाह, डॉक्टर तारिका कितनी पॉजिटिव है, हमेशा दूर की सोचती है। सांखे अब तक तो पता चल ही गया होगा ना कि इन दोनों की मौत हुई कैसे? हाँ सिंदूर से। सिंदूर से? हाँ ये देखो ना। सर इसका मतलब है कि सिंदूर में जहर था? बिल्कुल, अफ्रीका में एक पेड़ होता है ऊपस, बहुत ही जहरीला पेड़ होता है, उसके पत्तों को पीस कर सिंदूर में मिलाया गया है। मगर जहर तो तभी असर करता है ना जब वो शरीर के अंदर जाएगा। एग्जैक्टली, यहाँ के देखो जहाँ सिंदूर लगा हुआ है ये जख्म का निशान। चोट तो है बॉस, इसी चोट के जरिए जहर अंदर गया है बॉडी में और जहर ने अपना काम कर दिया। एक घंटा भी नहीं लगा होगा इस बेचारे को मरने में। और आशीष, आशीष को कैसे मारा? सर इसके अंगूठे पे भी चोट का निशान है, इसलिए जैसे ही इसने रूमी को सिंदूर लगाया इसके शरीर में भी जहर चला गया और ये तुरंत मर गया। ये देखिए, इसीलिए दोनों की मौत साथ साथ ही हुई। करेक्ट, ये तो काफी सोचा समझा मर्डर है सर, प्लान करके खून किए गए। खूनी ने पहले जहर अफ्रीका से मंगाया, फिर किसी तरीके से इन दोनों को चोट पहुंचाई ताकि चोट में से जहर शरीर के अंदर चला जाए, फिर सिंदूर में जहर मिलाया और दोनों को सुला दिया। सब मान सकता हूं अभिजीत, लेकिन एक साथ इन दोनों को चोट पहुंचाना ये बात हजम नहीं होती यार। और ये तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को अंगूठे पर चोट पहुंचाना और उसी वक्त दूसरे के सिर पर जख्म करना जहां पे सिंदूर लगाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये काफी बड़ा संयोग है सर। और भी एक बात है अभिजीत, जब वो आदमी इनको चोट पहुंचा रहा था इन दोनों को, तब किसी ने देखा नहीं, आसपास कोई भी नहीं था, ये कैसे हो सकता है? सब वो इसीलिए क्योंकि आदमी कोई परिवार वाला ही होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तभी तो किसी ने बड़ी आसानी से सिंदूर वाली थाली धो दी। बाय द वे हुईशी कौन है और मेरी लैब में क्या कर रही है? सोनके ये इंस्पेक्टर काजल है, सीआईडी की नई मेंबर। अच्छा अच्छा, और सीआईडी में आते ही इनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। एसीपी के साथ काम करोगे तो यही होगा बस। नहीं नहीं सारुंग के साहब, सीआईडी के पहले केस में शायद इन्हें अपने भाई को गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे भाई ने खून नहीं किया है। काजल। पर सर राहुल उस वक्त वहाँ था ही नहीं जब शादी हो रही थी, और लाशें मिलने के बाद आप लोगों ने तो उस घर को सील भी कर दिया था, तो राहुल कैसे घर के अंदर जाता और कैसे वो थाली धोता? ये भी तो हो सकता है काजल कि तुम्हारे भाई ने ये काम किसी और से करवाया। सर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई खूनी नहीं है। काजल, एक सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी में ऐसे इम्तिहान आते हैं और आते रहेंगे। माँ बाप बेटा बेटी भाई बहन, ये सारे रिश्ते अब तुम्हें भूलने पड़ेंगे। सर एक बात बोलूं? सचिन बात बोलो, पर तुम बार बार ये सर्वर बुलाना बंद कर दो यार। तो तुम मुझे दया बुला सकते हो, है ना? ओके सर, आई मीन दया सर। सॉरी सर, सर वो क्या है कि आदत पड़ चुकी है, ये सर्वर छूटता ही नहीं सर। फिर सर सॉरी सर। अच्छा वैसे तुम कुछ बोल रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि ये लड़की अभी दो चार दिन में सीआईडी ज्वाइन करने वाली है, आई मीन सीआईडी ऑफिसर बनने वाली है, और हम लोग हैं कि उसके भाई को ही पकड़ने में लगे। हम लोग सर किसी का लिहाज नहीं करते। नहीं, किसी का लिहाज नहीं कर सकते अगर ये सीआईडी का मामला हो तो। एक बार
पूछताछ और छानबीन की ये गाड़ी चल पड़ी ना, तो उसे रोकना जरा मुश्किल है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, चाहे इसमें हमारा सगा भाई क्यों ना सिर। हाँ, और ये बात तुम एसीपी प्रद्युमन के सामने कभी मत लाना। क्या हुआ? क्या हुआ पूछो मत, भूकंप आ जाएगा, भूकंप, समझे? अजय काम करो, तुम ये कमरा चेक करो, ठीक है? या श्योर, मैं यहाँ देखता हूँ। श्योर। सचिन, गाड़ी में से स्क्रू ड्राइवर हैमर लेके आओ, जल्दी। श्योर। संभाल के। ये? सर देखिए, ये सारी की सारी किताबें पॉइजन के ऊपर। इसका मतलब राहुल ने उन दोनों का खून किया है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर किसी ने मेरे भाई को फंसाया होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? ये किताबें, ये सिंदूर, ये सब हमने रखे हैं वहां पे तुम्हारे भाई को फंसाने के लिए। ये सब वहां पहले से थी, समझे? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं है। आपने नहीं, हो सकता है कि आप लोगों के आने से पहले किसी और ने रख दिया हो। नहीं काजल, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी आदमी इतनी जल्दी दीवार तोड़कर ये किताबें अंदर डालकर सब कुछ फिर से ठीक ठाक कर देगा? नहीं हो सकता। ये सचिन ठीक कह रहा है, वो किताबें और ये सिंदूर तुम्हारे भाई राहुल ने ही रखी है। और दूल्हा दुल्हन की मौत सिंदूर की वजह से ही हुई है, और सारे सबूत राहुल की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सर मैं मानती हूँ कि सारे सबूत राहुल के खिलाफ है, पर मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ सर। वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। देखो काजल, आंखों में आंसू लाकर कभी भी मेरी तरफ सहानुभूति की भीख मत मांगना। अगर खूनी है तो उसे पकड़ना ही चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो, तुम्हारा या मेरा रिश्तेदार भी, समझे? यस सर। और अगर राहुल ने कुछ नहीं किया तो वो सामने क्यों नहीं आता, छुपा हुआ क्यों है? और तो और उसने फोन भी बंद कर रखा है। सर, इन किताबों में हमें कुछ और भी मिला है। क्या? सर कुछ और किताबों के नाम। ये किताबें हैं उसमें? नहीं सर, ये किताबें हमें उस घर में भी नहीं मिली। तो हो सकता है सर ये किताबें उसने किसी दुकान या लाइब्रेरी से मंगाई हो। तो फिर पता करो ऐसी कोई दुकान या लाइब्रेरी है जिनमें ये किताबें मिलती है। मुझे भी यही लग रहा था। एक्सक्यूज मी प्लीज। साइलेंस। लाइब्रेरी में जोर से बातें नहीं करते। सॉरी, एक्चुअली आपसे कुछ सवाल पूछने थे। लाइब्रेरी में लोग अपने सवालों का जवाब ढूंढने ही आते हैं। अच्छा, तब तो हमारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि सवाल क्या है।
मामला खून का है। क्या खून? हाँ खून। अगर खून के राज वाली किताब लाइब्रेरी से आई हो तो सवाल तो पूछना ही पड़ेगा ना। इस लाइब्रेरी से? हाँ जरा ये लिस्ट देखिए। ये किताबें हैं आपके लाइब्रेरी में? ये तो सारी जहर पर किताबें हैं। हाँ क्या राहुल नाम का कोई लड़का आपके इस लाइब्रेरी से ये किताबें ले जाता था पढ़ने के लिए? राहुल? राहुल कुमार। राहुल कुमार हाँ उसने तो जहर पर सारी किताबें पढ़ डाली पर आजकल वो यहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा ये राहुल यहाँ अकेला आता था या उसके साथ में कोई और भी आता था? हाँ अकेले ही आता था। आप लोग क्या उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ। एक मिनट उसका एड्रेस होगा यहाँ पर मैं भी देता हूँ। रहने दीजिए है हमारे पास। काजल ये राहुल राहुल कुमार है? अब ये क्या चक्कर है? राहुल का एड्रेस तो कुछ और ही लिखा हुआ इसमें। उसे देखो ये तुम्हारे घर का एड्रेस है? नो सर। ये एड्रेस जानती हो तुम? नहीं। कहीं ये एड्रेस नकली तो नहीं? दया पता करो एड्रेस असली है कि नकली। और अगर ये एड्रेस वाकई में है तो शायद राहुल वहीं पे छुपा हो। राहुल कहाँ है? राहुल? हाँ राहुल कहाँ है? क्या हुआ राहुल का नाम सुन के तुम्हारी बोलती मत होगी? कहाँ है वो? हाँ आप लोग कौन है? हम CID से। कहाँ है राहुल? वहाँ पर है राहुल। सर सर प्लीज प्लीज सर राहुल को कुछ मत करना। चुप रहो। छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो। उन्हीं को छोड़ना मुश्किल है। मुद्दा किसका? काजल तुम भी? राहुल ये सब क्या है? ये तो मैं इस मुर्दे की कंकाल पर रिसर्च कर रहा था और आप देख नहीं सकते कि ये नकली है या प्लास्टिक का बना है। देखिए सर ठीक है। आप लोग कौन है? हम CID से। पर तुम स्केलेटन पे रिसर्च क्यों कर रहे हो? दीदी मैंने तुम्हें बताया नहीं मैं फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या फोरेंसिक साइंस? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ। आप CID ऑफिसर बनोगे मैं फॉरेंसिक डॉक्टर। इसलिए तो मैंने किताबें छुपा के रखी आपसे। और ये क्या है? ये मैं साक्षी के लिए लाया था उसे शादी करने के लिए। साक्षी के लिए? और जब साक्षी ने शादी करने से मना कर दिया तो रूमी और आशीष का इसी सिंदूर से खून कर दिया। और अब ये नया नाटक फॉरेंसिक डॉक्टर बनने का है? क्या वो दोनों मर गए? हाँ मर गए। इस सिंदूर में जहर है उससे मर गए वो। सिंदूर में जहर? हाँ पर मुझे तो पता भी नहीं कि वो दोनों मर गए। अच्छा अच्छा नहीं है। ओके ओके यार थैंक्स। राहुल लगता है कि तुम बच गए। इस सिंदूर में जहर नहीं है। हम इसके टेस्ट कर रहे थे फॉरेंसिक लैब में। मैंने कहा था ना आप लोगों से मेरा भाई निर्दोष है। यार अगर ये खून राहुल ने नहीं किया तो क्या परिवार में से कोई है क्या? सर उस दिन घर में मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि ये शादी नहीं होनी चाहिए और अगर जो सोचा था वो हो गया तो शादी रुक जाएगी। कौन है वो दो लोग? तुमने देखा उन्हें? नहीं सर लेकिन मैंने उनकी आवाजें सुनी थी। ऐसे लग रहा था कि वो दोनों पति पत्नी है। लेकिन उस शादी वाले घर में तो सर 300 के आसपास मेहमान होंगे और उसमें से खूनी कोई भी हो सकता है। अगर साड़ों की उस सिंदूर वाली थाली से उंगलियों के निशान उठाएगा तो एक मिनट में पता चल सकेगा कि ये सब किया किसने है। आहिस्ता आहिस्ता तारिका स्लोली कोना कोना चेक करना इस थाली का। वैसे सर
अगर थाली धोते वक्त खूनी ने ग्लव्स पहने होंगे फिर तो उंगलियों के निशान मिलना। जस्ट अ मोमेंट। हेलो यार डॉक्टर सालू के यार। हाँ 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 राजेंद्र कैसे हो दोस्त? क्या नहीं यार उसके बारे में तो बहुत समय से कुछ सुना नहीं यार। क्या होगा? प्रमोशन होगा बॉस उसका, चाहे प्रमोशन हुआ हो चाहे ट्रांसफर हुआ हो, लेकिन वो मेरे आसपास नहीं फटकने चाहिए बॉस। हाँ कुछ भी कर बॉस, लेकिन वो मेरी फॉरेंसिक लैब में नहीं आनी चाहिए, दैट्स इट। हाँ यार चलो ओके बाय। या बाय सी यू। प्रमोशन पता नहीं यार लोगों का कैसे प्रमोशन होता है, तो समझ में नहीं आता है, सब बैठे रह जाते हैं लोग। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं, वो मेरी कॉलेज की दोस्त थी उसके बारे में बात कर रहा था। कॉलेज की पुरानी दोस्त? हाँ। अरे दोस्त क्या थी तारिका यार, दुश्मन थी मेरी, कंपटीशन में लगी रहती थी मुझसे, हमेशा मुझसे आगे निकलने की जल्दी रहती थी उसे। और ये राजेंद्र इज माई ओल्ड फ्रेंड, ये बता रहा था कि उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन? वाओ। इसका मतलब वो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में? तारिका तुम इस थाली पर ध्यान दो, अंडरस्टैंड, ये थाली हमें खूनी तक पहुंचाएगी। यस सर। हाँ आहिस्ता आहिस्ता। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि घर में कौन कौन मौजूद था जब राहुल यहाँ पे आया। मगर इस बात से खून का क्या संबंध? राहुल ने यहाँ पे दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था, और वो लोग चुपके चुपके बात कर रहे थे, वो शादी रुकवाने की बात कर रहे थे। शादी रुकवाने की बात? शादी रुकवाने की बात कौन कर सकता है? यही तो हम पता लगाएंगे, यही हम पता लगाएंगे। लेकिन और एक बात, खूनी जानता था कि रूमी के माथे पर और आशीष के अंगूठे पर चोट लगी थी। कैसे? सर ये चोटें जरूर उस खूनी ने ही पहुंचाई है ताकि जहर का असर आसानी से हो सके। तो बताइए रूमी के माथे पर चोट कैसे लगी? जब दीदी नहा रही थी तब दरवाजे का हैंडल उनके माथे पे लग गया था। उन्होंने मुझे मना किया किसी को बताने के लिए, कह रही थी कि मम्मी पापा बिना बात की चिंता करेंगे। और आशीष? आशीष को चोट कैसे लगी? पता नहीं सर। और आप ब्रुषा जी, आपको भी कुछ नहीं पता? जी नहीं। वाह, आशीष के अंगूठे पे चोट कैसे लगी किसी को नहीं पता, पर रूमी के माथे पर चोट कैसे लगी ये सिर्फ उसकी छोटी बहन साक्षी ही जानती है। आपका मतलब है मैंने किया है अपनी दीदी का खून? हो सकता है, या फिर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर उनके फैंटास्टिक। अच्छा खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए सिंदूर की थाली पर, अरे वाह ग्रेट वर्क। हाँ भेज दो जल्दी, जल्दी से जल्दी भेज दो। थैंक यू, बस हो गया काम। अब आप लोग चाहे सच बोलो या झूठ, खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए सिंदूर की थाली पर, अब खूनी ज्यादा देर छुप नहीं सकता। आप सीआईडी वालों के पास दिल नाम की कोई चीज नहीं, आप किसी भी बात का लिहाज नहीं करते। हमारे बच्चों की मौत हुई, उनका खून हुआ है, खूनी को तो आप पकड़ नहीं सकते, और माँ बाप की उंगलियों के निशान मांग रहे हैं आप। देखिए ये हमारी ड्यूटी है, आइए चलिए। ड्यूटी? माँ बाप की उंगलियों के निशान लेने की ड्यूटी? आज तक हमारे चंगुल से कोई बच नहीं पाया है, समझे? सर आप बाकी लोगों की उंगलियों के निशान ले लीजिए ना। या जितने भी लोग हैं उन सब के उंगलियों के निशान हमने लिए हैं, मगर उनमें से किसी के भी उंगलियों के निशान उस थाली पर नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि खूनी आपके परिवार में से ही कोई है। पसीना क्यों छूट रहा? पसीने? मेरे कहां पसीने छूट रहे? मैं तैयार हूं, ले लीजिए आप मेरी उंगलियों के निशान के लिए। चलो नहीं सर,
इनकी उंगलियों के निशान नहीं है। हो गई तसल्ली आपको? एक बाप को खूनी बनाने चले थे आप। आइए रुषा जी, अब आपकी बारी है, आइए। मैं? हाँ हाँ चलिए चलो, हाथ रखिए वहां पे। नहीं सर, इनके भी नहीं है। तो आइए अनीता जी, अब आपका नंबर है जी। आइए जल्दी जल्दी। क्या हुआ? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो अनीता जी, देखिए उंगलियों के निशान देने से आपकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब होने वाली नहीं है। चलो आइए दीजिए अपनी उंगलियों के निशान। चलिए चलिए चलिए। आप लोग समझ नहीं पा रहे। सब समझ रहा हूँ अनीता जी, अपनी उंगलियों के निशान दीजिए। चलिए दीजिए, हमारा वक्त जाया मत कीजिए। चलिए मेरी बात सुनिए अनीता जी, आइए। चलो 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 जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो मैंने थाली धोई थी, थाली मैंने धोई थी। दीदी का खून किया आप? नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने तो सिर्फ थाली धोई थी। सर ये ऐसा क्यों हंस रहे हैं? वो इसलिए कि सिंदूर की थाली पर हमें किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। क्या? तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? वो इसलिए कि अपराधी खुद ब खुद हमारी जाल में फंस जाए। और ठीक वैसे ही हुआ, अनीता जी ने जुर्म कबूल कर लिया है ना अनीता जी? अनीता जी बताइए, क्या आपके हाथ कांपे नहीं जब आप अपनी बेटी की जान ले रही थी? क्यों? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ थाली धोई थी। तो फिर आपने थाली क्यों धोई? मैंने तो उनके कहने पे किया था। कौन है वो जी? किसके कहने पर? उनके। रुक जाओ, बहुत हो गया, हाँ आके जाता है, बहुत भाग लिया तू। मैं तो सिर्फ आशीष को ही मारना चाहता था, मुझे क्या पता था कि बेचारी रूम में मर जाएगी। अगर मुझे पता होता कि उसके माथे पे चोट है, मैं सिंदूर में कभी भी जहर नहीं मिलाता। मेरे बेटे को क्यों मारा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आशीष मेरे घर का दामाद बने। पागल हो गया ये? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने पहले भी दो दो शादियां की थी और दोनों को दहेज के लालच में तुम लोगों ने मार डाला। उसी तरह तुम मेरी बेटी को भी मार डालते। ये और बात है कि तुम लोगों कोर्ट ने छोड़ दिया। तुम्हें कैसे मालूम कि राहुल की उंगली पर चोट लगी है? उस दिन अगर ये बात थी तो अपनी बेटी से कह देते कि शादी नहीं हो सकती। हाँ क्योंकि यही तो दुख है एसीपी साहब, कि मेरी बेटी ने मेरी बात ही नहीं मानी। तो मैंने सोचा कि मैं और किसी भोली भाली लड़की की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा, आशीष को शादी होने से पहले ही मार डालूंगा। आशीष को तो तुमने मार दिया है, पर साथ साथ अपनी मासूम बेटी को भी खो दिया। देखा कानून को अपने हाथ में लेने का नतीजा, अब तो शायद तुम्हें फांसी ही होगी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.